उसके फर्स्ट चैप्टर में इग्नोरेंस को बहुत ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देकर समझाया गया है जिसको मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे तो वो लिखते हैं कि यू सी मैनी स्टार्स इन द स्काई एट नाइट बट नॉट वेन द सन राइजेस के, के आसमान में रात को बहुत सारे जो स्टार्स है वो दिखाई देते हैं बट जब सूरज की रोशनी होती है जब दिन होता है तब तो वो स्टार्स दिखाई नहीं देते बट दैट डजेंट मीन दैट देर आर नो स्टार्स इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम राइट नेक्स्ट वो लिखते हैं कि ओ मैन यू डजेंट फाइंड गॉड इन द डेज ऑफ योर इग्नोरेंस दैट डजेंट मीन गॉड डजेंट एग्जिस्ट कितनी अच्छी बात बोली गई है कि जब इग्नोरेंस होती है तो कुछ होता भी है तो भी हमें नहीं दिखता है ठीक है अगर इग्नोरेंस वर्ड का एक सिंपल वे वे से अगर मीनिंग देखें क्या है इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ information एंड नॉलेज इज इक्वल्स टू इग्नोरेंस मीन्स कुछ है बट क्लियर नहीं है कि कुछ है या नहीं है अगर ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ एक्चुअली में कुछ है वहाँ पे, ठीक है देन देर इज़ अ नो इग्नोरेंस तो उसको इग्नोरेंस नहीं बोल बोल सकते बट अगर ये भी क्लियर हो जाए कि वहाँ पे कुछ नहीं है तो भी इग्नोरेंस नहीं है तो क्लियर हो गया ना कि कोई कोई चीज़ वहाँ पे नहीं है बट अगर लैक ऑफ नॉलेज है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और पता नहीं है बट है या नहीं है ये क्लियर नहीं है

यू स्टार्ट वेरीफाइंग एट ठीक है जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है उसको साइड रख के अगर हम देखेंगे किसी चीज को तो जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा दिस इज वॉट दे आर से इसको पढ़ने के बाद मेरे माइंड uh, में जो एक क्वेश्चन आया कि इग्नोरेंस वर्ड को वहाँ पर क्यों यूज किया गया है ईगोटिज्म या ईगो वर्ड को क्यों नहीं यूज किया गया देखो जो ईगो है वो वर्ड उसका अगर सिंपल वे से मीनिंग देखें तो ईगो वर्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड आई मैं राइट right? जैसे कि मेरा ये मेरा वो मैं ये मैं वो दैट इज वॉट ईगो इज राइट तो इग्नोरेंस इज समथिंग विच इज कि कुछ है या नहीं है दैट इज इग्नोरेंस जब तक वो चीज क्लियर नहीं होती है तब तक इग्नोरेंस होती है जब वो चीज क्लियर हो जाए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बॉटल ऑफ वाटर है ठीक है अब इसमें वाटर है ये चीज़ क्लियर है तो इग्नोरेंस कहाँ पे है देर इज नो इग्नोरेंस आई कांट इग्नोर इट राइट कि इसमें बॉटल है बॉटल में पानी है मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता कोई भी नहीं कर सकता राइट right? बट इस बॉटल के ऊपर अगर इसको कवर कर दिया जाए ब्लैक पेपर के साथ ठीक है और अंदर पता ना चले क्या है फिर दैट इज अनक्लियर राइट दैट इज हमें पता है कि इसके अंदर कुछ है बट वो क्लियर नहीं है कि क्या है क्योंकि दिख नहीं रहा है राइट दैट इज अगेन इग्नोरेंस दैट इज इग्नोरेंस फिर उसको इग्नोरेंस बोल सकते हैं कि हां जब हमें पता चल जाए कि इसके अंदर वाटर है क्लियर हो जाए दैट मीन्स देन देर इज नो इग्नोरेंस अगर पता नहीं है क्लियर नहीं है फिर इग्नोरेंस है तो दिस इज हाउ The concept of ignorance and ego works. Thank you so much. Wish you all the best of luck.